नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कुलपति बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के कुलपति माननीय नरेंद्र प्रताप सिंह एवं निदेशक प्रसार डॉक्टर आनंद सिंह तथा बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण कुमार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज द्वितीय का निरीक्षण करते हुए साथ में पौधारोपण भी किया। नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पेड़ पौधों के कारण आज मनुष्य जीवित है, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जो पौधारोपण किया है वह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक तोहफा होगा, क्योंकि ये पेड़ पौधे बड़े होकर सदियों तक सभी को जीवन के रूप में ऑक्सीजन देते रहेंगे। उन्होंने आए हुए सभी किसानों को कहा कि एक पेड़ अपने अपने घर खेत में के पास लगाएं। डॉक्टर एसपी सिंह कुलपति नरेंद्र प्रताप सिंह एवं निदेशक प्रसार डॉक्टर आनंद सिंह तथा बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण कुमार जी को फूल देकर स्वागत किया और सभी किसानों को खेती बाड़ी के विषय में जानकारी देते हुए किसानों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर हिमांशु अतुल पटेल, डॉक्टर विनोद राम जियावन, राम कैलाश आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से राजू सरोज की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें पंचायती राज न्यूज के साथ। नमस्कार।